अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कबाब्स। ये कबाब्स हमने एकदम उसी स्टाइल में बनाए हैं जिस तरह बाजार में मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कबाब बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। कबाब बनाने के लिए हमने लिया है 1/2 किलो चना दाल जिसे हमने बॉईल कर लिया है, 1/4 kg बोनलेस चिकन जिसे हमने अदरक लहसुन और नमक डाल के बॉईल कर लिया एंड फिर उसके रेशे अलग कर लिए। तो सबसे पहले हम बॉईल चना दाल को दरदरा पीस लेंगे। साथ ही में हमने लिया है चॉप की हुई प्याज, पुदीना और धनिया, हरी मिर्च, अदरक, नींबू का जूस और एक अंडा। स्पाइसेस में हमने लिया है गरम मसाला, नमक, भुना पिसा जीरा और चिली फ्लेक्स। चना दाल को हमने दरदरा पीस लिया है। तो अब हम कबाब का बैटर बना लेते हैं। उसके लिए हमने एक तसला लिया है जिसमें हम ऐड करेंगे चना दाल, बॉईल किया हुआ चिकन, सारे मसाले, प्याज, हरी मिर्च, धनिया और पुदीना और अदरक। तो अब हम सब चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे लेमन जूस, इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे एक अंडा, ये कबाब को बाइंड होने में हेल्प करेगा। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कबाब का बैटर बनके तैयार है। तो अब हम कबाब को शेप दे देते हैं। उसके लिए हमने कबाब की एक बॉल उठाई है जिसे हम हाथ की हेल्प से प्रेस करते हुए एक सर्कल शेप दे देंगे। और इसी तरह से हम बाकी के कबाब भी बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अब हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है और अब हम इसमें प्लेस कर देंगे कबाब। हमने कबाब को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। कबाब को फ्राई करने के लिए हमें टोटल 4 मिनट्स लगे। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बाजार जैसे कबाब बनकर रेडी हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।